नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। राजगढ़ मलावर थाना अंतर्गत पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना मलावर द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। उनसे लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ गांजा व एक चार पहिया वाहन जब्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआर दंडोतिया के निर्देशन एवं एसडीओपी भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन में थाना मलावर की पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक टोयोटा कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा भोपाल की तरफ से ब्यावरा होते हुए राजस्थान अजमेर तरफ जाने वाला है। सूचना काफी सटीक थी, जिस पर थाना प्रभारी मलावर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अपनी टीम को पगारी बंगला तिराहे पर घेराबंदी हेतु मुस्तैद किया, जहां थोड़ी ही देर में मुखबिर द्वारा बताए हुलिए कि ग्रे रंग की टोयोटा कंपनी की इटियोस कार क्रमांक RJ27CD5290 पहुंचे। उसे रोक कर चेक करने पर उसमें दो व्यक्ति बैठे मिले, जिन्होंने अपना नाम बशीर मोहम्मद, पिता नबी मोहम्मद, उम्र 50 वर्ष, निवासी प्रताप नगर अजमेर, व रवि पिता फूल सिंह परमार, उम्र 27 वर्ष, निवासी ठाकुरपाड़ा धौलपुर राजस्थान का होना बताया, जिनके वाहन को चेक करने पर पीछे की सीट पर व डिक्की में से कुल 6 प्लास्टिक के बोरे मिले। इसमें कुल 151.500 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिन्हें आरोपियों द्वारा हैदराबाद से अजमेर ले जाना बताया। टीम द्वारा एक क्विंटल 51 किलोग्राम गांजे की कीमत 22,72,000 रुपये व टोयोटा इटियोस कार की कीमत 7,56,000 रुपये सहित कुल कीमती 30,28,000 रुपये का मशरूका जब्त किया जाकर आरोपी गणों को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी गणों के विरुद्ध थाना मलावर में अपराध क्रमांक 193-20 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हमारे यहाँ राजगढ़ जिले में ब्यावरा में चुनाव होने हैं, इसको लेकर लगातार अलग अलग पॉइंट्स पे करीबन 22 जगह पर हमारी स्टैटिक टीम्स है और सभी थाना प्रभारी जितने भी प्रकार के अवैध शस्त्र या मादक पदार्थ हैं या शराब है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान SDOP नरसिंहगढ़ की भारतेंदु शर्मा जी और थाना प्रभारी मलावर श्री राजपाल राठौर जी को सूचना मिली कि एक गाड़ी है और इसमें काफ़ी मात्रा में टोयोटा की गाड़ी है, इसमें काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ आने की संभावना है। जैसे इनको सूचना मिली तो उन्होंने एडिशनल एसपी साहब को अवगत कराया और इनके माध्यम से पूरे जिले में चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान चेकिंग के दौरान पगारी बंगला तिराहे पर जब घेराबंदी की गई तो एक टोयोटा कंपनी की इटियोस कार है जो सेडान होती है RJ27CD5290 ये ग्रे कलर की थी, ये आती हुई दिखी और इसको रोक कर जब चेक किया गया तो इसमें दो व्यक्ति मिले, एक बशीर मोहम्मद, पिता नबी मोहम्मद, उम्र 50 साल, ये प्रताप नगर अजमेर के रहने वाले हैं, और रवि पिता फूल सिंह परमार 27 साल, निवासी ठाकुरपाड़ा धौलपुर राजस्थान के हैं। इनकी गाड़ी को जब इनसे चेक करवाया गया तो इसमें कुल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से बोरियों में, 1 क्विंटल 51 किलो 500 ग्राम टोटल 150 किलो से ज़्यादा गांजा पाया गया है। इस गांजे की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो करीबन 22,72,000 रुपये है और जो इटियोस गाड़ी है वो करीबन 7,50,00,000 रुपये के आसपास आती है, जिसको भी जब्त कर लिया गया है। इसकी राजसात की प्रक्रिया भी अब प्रारंभ की जाएगी। इसमें जो टोटल कीमत है वो 30,28,000 के आसपास का मशरूका जब्त किया गया। इन दोनों अपराधियों का हमने गिरफ्त में ले लिया है, अभी इनका PR दिया जाएगा। प्राइमरी हमको पता चला है वो ये। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से कैमरामैन लखन गुर्जर के साथ ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।